गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, पोलर कर्व्स के लिए, पैडल इक्वेशन के लिए या टेंजेंशियल पोलर कर्व्स के लिए। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक एलिप्स दे रखा है हमें, पैडल इक्वेशन के फॉर्म में, वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमें इसके किसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द एलिप्स, वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए क्या हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पैडल इक्वेशन वाली, पैडल इक्वेशन अगर होगी हमारी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो जो होगा वो हमारा होता है आर डी आर अपॉन डी पी। तो इसके लिए सबसे पहले अपन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कर लेता हूँ। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन पी स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हो गया माइनस टू अपॉन पी क्यू इंटू डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो, वन अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो, माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया टू आर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये माइनस टू से माइनस टू कैंसिल, अपने पास रह गया फाइनली डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू, ये पी क्यूब में उधर शिफ्ट कर लेता हूँ, पी क्यूब आर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और अब हम कहेंगे रो हमारा होता है आर डी आर अपॉन डी पी। तो यहाँ से देखिए, ये डी आर अपॉन डी पी में उधर शिफ्ट करूँ तो ये आर डी आर अपॉन डी पी अपने पास हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू। ये ए स्क्वायर पी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और पी क्यू ये इधर ही है और ये उधर चले जाएगा, उधर रह गया आर डी आर अपॉन डी पी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू। तो ये इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में मिल गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू। तो अगर कर्व हमारे पास पैडल इक्वेशन के टर्म में है तो इस तरह से हम उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए एक प्रॉब्लम नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कर्व हमारे पास आर और थीटा के फॉर्म में हो। ये देखिए, ये एक हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट है अपना, प्रूव करना है रो इज प्रोपोर्शनल टू रूट आर, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है नाइन रो वन स्क्वायर प्लस रो टू स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटी ए स्क्वायर, वे रो वन एंड रो टू आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी क्वाड पासिंग थ्रू द पोल। यहाँ रो वन और रो टू जो है वो ध्रुव से गुजरने वाली किसी जीवा के सिरे हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लें, यहां से इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो डी आर बाय डी थीटा अपने पास आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा, और डी टू आर बाय टी थीटा स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा। अब देखिए रो का फॉर्मूला हमें पता है, रो हमारा होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर रेस टू पावर थ्री बाई टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस टू डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर माइनस डी टू आर बाय डी थीटा स्क्वायर इंटू आर। तो
तो ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला ही है। अब ये आर और डी आर बाई डी थीटा डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर इनके वैल्यू में पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा। आर के लिए मैं वैल्यू डाल ही देता हूँ साथ के साथ, आर हमारा है ए वन प्लस कॉस थीटा है ए स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर थ्री बाय टू अपॉन आर स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस टू डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर डी टू आर बाई माइनस आर वन प्लस कॉस थीटा इंटू डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए ये इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकल दें तो बाहर आएगा ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू यानी कि ए क्यूब। अंदर अब देखिए अपने पास वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोल लें तो वन प्लस टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस टू पावर थ्री बाई टू अपॉन नीचे देखें ए स्क्वायर यहाँ पे भी है ए स्क्वायर यहाँ भी है ए स्क्वायर यहाँ भी है ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर देखिए वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल करें तो ये ए रह गया अपने पास। ये देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये वन हो गया ये वन प्लस वन टू टू प्लस टू कॉस थीटा टू कॉमन ले लो अंदर रह गया वन प्लस कॉस थीटा जिसकी पावर थ्री बाई टू अपॉन वन प्लस टू कॉस थीटा और एक कॉस थीटा ये थ्री कॉस थीटा वन प्लस थ्री कॉस थीटा प्लस ये देखिए कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर प्लस टू साइन स्क्वायर टू कॉमन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन हो गया तो ये हमारा हो गया टू तो वन प्लस टू तो वन प्लस टू यानी कि थ्री अब यहाँ पे देखिए ऊपर ये टू वन प्लस कॉस थीटा रेज टू पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री वन प्लस कॉस थीटा ये देखिए एक वन प्लस कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर पावर ये रह गया टू रूट टू टू की पावर थ्री बाई टू है ना तो ये रह गया टू रूट टू इंटू रूट ऑफ वन प्लस कॉस थीटा रूट ऑफ वन प्लस कॉस थीटा और अपॉन ये थ्री और रह गया ये ए बाई थ्री
टू ए बाई थ्री टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा यहां से देखें अगर अपन इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये हमारा हो रहा है आर अपॉन ए, आर अपॉन ए रो इज टू रूट टू अपॉन थ्री, और ये ए से ए को कैंसिल करेंगे तो ऊपर एक रूट ए रह जाएगा और ये आर ये रहता है, सो रो इज टू बाई थ्री रूट टू ए इंटू आर। तो ये देखिए टू बाई थ्री रूट टू ए, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इट मीन्स रो इज प्रोपोर्शनल टू रूट आर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो हम प्रूव करना था, रो प्रोपोर्शनल टू रूट आर। अब सेकेंड पार्ट के केस में चले, तो यहीं से देखिए मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करता हूँ वापस से। रो हमारे पास आ रहा था टू ए बाई थ्री रूट टू वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो ये हमारे पास हो गया टू इंटू टू फोर, फोर बार आपको टू रह जाएगा, तो फोर बाय थ्री ए कॉस थीटा बाय टू। तो ये थीटा के टर्म्स में देखते हैं, तो रो हमारे पास आ रहा है फोर बाई थ्री ए कॉस थीटा बाय टू। अब हमें प्रूव ये करना था कि रो वन स्क्वायर प्लस रो टू स्क्वायर इंटू नाइन इज इक्वल टू सिक्सटीन ए स्क्वायर, या फिर रो वन और रो टू एक जीवा के दो सिरे हैं जो कि ध्रुव से गुजरती है। तो रो वन स्क्वायर किसी एक पॉइंट थीटा के लिए अगर हम देखें उस पर अगर रो को हम रो वन कहें, तो रो वन हमारा हो गया फोर बाय थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा वन थीटा बाय टू। अब रो टू जो कि इस जीवा के दूसरे सिरे वाला बिंदु है, तो वहां पे जो थीटा होगा वो अपना होगा पाई प्लस थीटा, तो वहां पे जो रो टू जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर पाई प्लस थीटा बाई टू। दैट मीन्स फोर बाई थ्री ए कॉस स्क्वायर पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, और कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू अपना हो जाता है माइनस साइन थीटा, ये स्क्वायर है प्लस में रह जाएगा फोर बाई थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, तो रो टू स्क्वायर हमारा ये आ गया। सॉरी ये हमारे पास आ गया हमारे रो वन रो टू हमारा 4 by 3 a cos theta by 2 और रो 2 हो गया 4 by 3 a cos pi plus theta by 2, तो cos pi plus theta by 2 यानि cos pi by 2 plus theta by 2 ये अपना minus का 4 by 3 a sin theta by 2। अब इन दोनों को स्क्वायर करके एड कर लें, तो रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर is 16 by 9 a square into cos square theta by 2 plus sin square theta by 2। रो वन स्क्वायर रखेंगे यहाँ से 16 by 9 a square cos square theta by 2, रो टू स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते ही माइनस अपना प्लस हो जाएगा 16 by 9 a square sin square theta by 2, तो 16 by 9 a square common अंदर रह गया cos square plus sin square, ये 1 हो गया, तो अपने पास रह गया rho 1 square plus rho 2 square equal to 16 by 9 a square, ये 9 अपन इधर लिया है, तो 9 rho 1 square plus rho 2 square equal to 16 a square। ये प्रूव करना था अपने को। अब देखिए एक प्रॉब्लम और हम देख लेते हैं,
फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द सर्कल P इक्वल टू A 1 प्लस साइन साइन। ये कर्व दे रखा है, इस कर्व के किसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट कह लें और हम इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू साइन, तो डीपी बाई डी साइन अपने पास आ जाएगा ए कॉस साइन और डी टू पी बाई डी साइन स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ए साइन साइन। और रो हमें पता है, रो होता है पी प्लस डी टू पी बाई डी साइन स्क्वायर। पी और साइन वाली टर्म्स में रो का फॉर्मूला अपना ये था पी प्लस डी टू पी बाई डी साइन स्क्वायर। अब देखिए पी अपना है ए वन प्लस साइन साइन और डी टू पी बाई डी स्क्वायर अपना है माइनस ए साइन साइन। तो ये ए प्लस ए साइन साइन माइनस ए साइन साइन, तो ये प्लस का ए साइन साइन और माइनस का ए साइन साइन ये तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास रह गया रूट। तो ये इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर ए आ गई। ये एक सर्कल की इक्वेशन है एक्चुअल में जिसकी रेडियस ए है। तो ये एक आगे हम और भी बात करेंगे, आप अभी से समझ लीजिए कि एक सर्कल अगर है तो सर्कल की रेडियस ऑफ कर्वेचर और सर्कल की रेडियस ही होती है। ये एक सर्कल की इक्वेशन है टेंजेंशियल पोलर फॉर्म में जिसकी रेडियस ए है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ए आ गई है। तो एक सर्कल की जो रेडियस है वही उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। अब फर्दर नेक्स्ट पीरियड में हम और आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।